नमस्कार, एनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारा धाकड़ हरियाणा, जहां सबका साथ सबका विकास का मंत्र हो रहा है साकार। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारा धाकड़ हरियाणा। हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान रखने वाले विशेष पर्व हरियाली तीज पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। चीन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बेटियों के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। सीएम ने घरेलू गैस सिलेंडर के उज्ज्वला उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। वही मातृ शक्ति उद्यमिता योजना और SHG के रिवॉल्विंग फंड में भी बढ़ोतरी कर दी है। 40 लाख परिवारों को बड़ी सौगात। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तीज गिफ्ट देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया। यानी अब ऐसे लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। जींद में आयोजित राज्य स्तरीय तीज महोत्सव में सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को अब 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। इससे राज्य के 1,80,000 रुपए से कमाए वाले लगभग 46 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। मैं आज जब इस कोठली को आप खोलेंगी तो इसमें गुलगुले, सुहाली, बतासे आदि चीजें आपको साफ साफ दिखाई देंगी, परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगी। मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। आज जो ये कोठली आप सब बहनों को दी है, ये भाई का फर्ज है कि बहनों को मजबूत करना, उनको सुरक्षित करना, और उसको लेकर के आज इस तीज के पर्व के ऊपर आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं आज अपनी बहनों को आज इस बात के लिए एक घोषणा करता हूं कि जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, तब तक मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने हर घर के अंदर गैस का कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी सरकार ने की थी। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि हमारी ऐसे लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 46 लाख परिवार हैं, ऐसे 46 लाख परिवारों को जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिनके 12 लाख ऐसे लाभार्थी हैं, ऐसी सब बहनों को आज के बाद ये गैस का सिलेंडर मात्र 500 रुपए के अंदर आप लोगों को उपलब्ध होगा। इस बात की मैं आज घोषणा करता हूं। आप लोगों को इस बात की चिंता नहीं है, नहीं तो धुएं के कारण आंखें खराब हो जाती थी, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारी डबल इंजन की सरकार ने ये निर्णय किया कि किसी माता बहन की धुएं के कारण आंखें खराब नहीं होंगी, और उसको लेकर के आज मैं ये घोषणा की है कि हमारी बहनों को अब ये 46 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको 500 रुपए में ये गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना में ऋण सीमा 5 लाख हुई। SHG का रिवॉल्विंग फंड बढ़कर 30,000 रुपए हुआ। सीएम ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए दी जाने वाली 3 लाख रुपए की ऋण राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा रहा है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को दैनिक जरूरतों के लिए दिए जाने वाले 20,000 रुपए की रिवॉल्विंग फंड को बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की भी घोषणा की है। एक और ये घोषणा करते हुए बहनों के बीच में बड़ी खुशी हो रही है कि हरियाणा मातृ शक्ति उद्यम योजना के तहत पहले यह ऋण 3 लाख रुपए दिया जाता था, अब इसको बढ़ा करके मैं 5 लाख रुपए करने की घोषणा करता हूं। अब हमारी बहनों को ये 5 लाख रुपए उपलब्ध होगा। मैं एक और ये घोषणा करता हूं
कि जो हमारी स्वयं सहायता समूहों में काम करने वाली बहनों को दैनिक जरूरतों के लिए मिलने वाली 20,000 रुपए की रिवॉल्विंग फंड राशि को भी बढ़ा करके मैं 30,000 रुपए करने की घोषणा करता हूं। मैं आज जो समूह सखी को मिलने वाला जो 150 रुपए 150 रुपया जो मासिक मानदेय था उसको भी बढ़ा करके मैं 500 रुपए करने की आज घोषणा करता हूं। दरअसल हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की थी। हरियाणा में सरकार ने महिलाओं को साथ लेकर इस अभियान को बखूबी आगे बढ़ाया है। इसका परिणाम यह हुआ कि हरियाणा में लिंगानुपात की दर में बड़ा सुधार आया और अब यह अनुपात 871 से सुधर कर 941 हो गया है। महाराज धाकड़ हरियाणा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।